अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज जिन यक्षिणी की हम बात कर रहे हैं, ये हम लोगों के जीवन में बड़ा महत्व रखती है। हमारा भरण पोषण से लेकर के हमारा जो एक शारीरिक संरचना दिखता है, जो हर इन्वायरमेंट में हम रुक पाते हैं, उसका कारण ये यक्षिणी है जो देवी रूप में हम लोगों के साथ भ्रमण करती हैं। इनको सिद्ध करने का दो विधान है। पहले इनके बारे में जान लें। इनको नख केशनी यक्षिणी कहते हैं, मतलब जो नाखून और केशों की देवी है। नाखून और केश ये दो ऐसे चीज़ हैं जिसके बिना है मनुष्य का सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल होता है। इनकी साधना का दो विधान बताया गया है। दो विधान क्यों है? क्योंकि कालांतर में संस्कृत भाषा का बहुत सारा भाग जो है वो लुप्त हो गया। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, संस्कृत का जानकार हूँ। तो उसी में दो तरीके का साधना यक्षिणियों का बताया गया। दो तरीके में एक वो साधना जो अति उग्र होता है। पिछले सप्ताह भी जो मैंने आप लोगों को यक्षिणी साधना बताई थी, उसमें उनका अनुरागिनी यक्षिणी की साधना में दो विधान बताए थे। उसी तरीके से जो आज हम ये साधना बताएंगे नखकेशिनी देवी का, इसका संस्कृत में एक अनुवाद है, ठीक है? क्योंकि जो मूल इसको इसकी रचना हुई वो संस्कृत में थी। उसके बाद इसका अलग अलग जो पंडित हुए उन्होंने अलग अलग इसका भावार्थ निकाला, और उस भावार्थ के हिसाब से फिर हम लोगों को इसका पद्धति बताया। तो जो पहला विधान है वो बड़ा उग्र और थोड़ा सा तांत्रिक स्वभाव का है। इसमें कहा जाता है कि वस्त्र विहीन हो करके और अपने बालों को बिना झाड़े, ठीक है, अपने घर के दक्षिण की ओर चले जाएं, और जब जाएं तो ये तय रखें कि कोई भी आपके आसपास ना हो और कोई भी आपको ना देखे, और उस स्थान पर आपको 21 रात्रि तक हर रात्रि हजार हजार जाप करना होता है। ये जो साधना है ये अमावस्या से शुरू होती है और 21 दिन तक चलती है। इस विधान से, इस साधना को करने से वो मध्य रात्रि में आती हैं और आपका जो भी मनवांछित कार्य है उसको उसकी पूर्ति कर देती हैं। इसी में एक दूसरा विधान है जो दूसरे विश्लेषण में बताया गया है। उसमें कहा जाता है क्योंकि नख केशिनी देवी है, तो पहले विधान में ये बताया गया कि आपका बाल झड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है कि पक्षी गृहम, ठीक है? पक्षी गृहम का मतलब हो सकता है कि आपके बाल पक्षी गृह मतलब घोंसले की तरह हो। वहीं पर जब दूसरा बार इसको वर्णित किया गया तो उसमें बोला गया कि साधक को घोंसले में जाकर ही नख और केश की देवी की पूजा करनी चाहिए। मतलब आपको एक घोंसले का, किसी भी चिड़िया के घोंसले का एक अरेंजमेंट करना होगा, और उसके बाद उसको ही आसन बना करके उस पर जाप करेंगे, ठीक है? इसमें भी विधान वही है कि 21 रात्रि तक आपको इनकी साधना करनी है। 21 रात्रि तक साधना करने के बाद वो आने वाले दिनों में किसी एक मध्य रात्रि के समय आपके सामने प्रत्यक्ष होंगी, और आप जो भी उनसे मांगोगे, विद्या मांगो, धन मांगो, पारिवारिक सुख मांगो, आध्यात्मिक सुख मांगो, जो भी आप मांगोगे वो आपको देंगी। इन यक्षिणी का जो मंत्र है वो दोनों विधान में, जैसे जब हम लोगों ने पिछले सप्ताह जब मैंने आपको हजार मोहरों देने वाली अनुरागिनी यक्षिणी के बारे में बताया था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि दोनों विधान में मंत्र अलग अलग है, लेकिन इन यक्षिणी का जब आप साधना करेंगे तो मंत्र जो है दोनों विधान में एक ही रहेगा। क्या? ओम ह्रीम। ह्रीम क्यों? मैंने बताया था कि 90% जो यक्षिणियों की साधना होगी, 90% जो नटी साधना होगी, 90% जो सुंदरी साधना होगी, उसमें बीज अक्षर जो है वो ह्रीम ही प्रयुक्त होगा, ठीक है? इसमें एक चीज और ध्यान रखना है
कि इस विधान में सिर्फ जाप कहा गया है, मतलब धूप दीप नवेद गंध पुष्प ये सब आपको नहीं चढ़ाना है, ना इनका कोई प्रारूप बनाना है, ना इनको कोई स्थान देना है, ठीक है। बस जब ये आए तो इनको वचनबद्ध करके आपको जो भी आपके कार्य हैं वो इनसे पूरा करवा लेना है, ठीक है। ये यक्षिणी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे शरीर के दो ऐसे अंगों की देवी है जो हमारे शरीर में मृत है, और मृत होकर भी जीवन को संचालित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के डेट में तो हमारे पास बहुत तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन पहले नाखून ही पहला अस्त्र अस्त्र था जिससे कि हम भोजन पाते थे, और अभी भी मनुष्य के लिए जो शरीर में जो बाल हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, सुंदरता हो या ठंडा से बचने के लिए। कहने का अर्थ है कि जो भरण पोषण का जो भी जिम्मेदारी है वो इस यक्षिणी पे है, तो जो भी आप इनसे मांगे इसी दोनों निमित्त मांगे। आज के लिए इतना ही, जिनको साधना के शुरुआती पद्धति को जानना है वो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें साधना के शुरुआत में जो आसन बंधन होता है, जो अनेक मंत्र होते हैं, वो हम आपको सिखाते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए एक ऐप है, कॉल मी फॉर ऐप, इसको ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे लिखे हुए लेख और साधकों के लिखे हुए लेखों को एक प्लेटफॉर्म दिया है हमने, aghortantrahasya.com पर। यहाँ कई एक जानकारी मिलेगी जो आपके लिए लाभकारी। माँ भगवती आपकी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग खारिश।